नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके इस विशेष कार्यक्रम यूपी मांगे जवाब में हम पहुंच चुके हैं स्याना विधानसभा क्षेत्र में, जहां ठंडी का कहर जारी है और जो गर्मी है वो राजनीतिक गर्मी में परिणत हो चुका है। हमीर, क्या कहेंगे आप? बाबू जी, नाम क्या आपका? मेरा नाम मया राम। अच्छा, मया राम जी, ये बताइए, यहाँ पर जो वर्तमान में सरकार थी उन्होंने कुछ काम किए हैं? अच्छा, कुछ भी नहीं करा। राशन तो मिले होंगे? राशन तो मिलना है, तो महंगाई कितनी हो रही है ये भी पता है। ये बात कही आपने बाबू जी। एक सिलेंडर पे एक सिलेंडर 300 रुपए का, जो 1000 रुपए में मिला तो कितने पैसा फालतू जा रहे हैं। ये क्या करवा रहे? महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई है, पेट्रोल क्या रेट में है, डीजल क्या रेट में है। खेती करते होंगे आप? खेती बाड़ी करते होंगे? मिलते हैं, आपका लेबर पार्टी का आदमी है। अच्छा, तो इस बार जो चुनाव होगा तो कौन से जो प्रत्याशी हैं उनको किस आधार पर वोट देंगे? विकास का मुद्दा है या नहीं है? महंगाई तो आपने बता दी। हाँ, महंगाई तो है ही है। तो इस बार विकास तो हुआ है? इस बार क्या विकास हुआ? अब आप बताइए। नहीं हुआ तो भी हम लिख देंगे। नहीं हुआ जी, कुछ कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, ये किसानों को जो दे रहे थे, क्या कहते हैं, एक खाता में हर महीने पैसे आ रहे किसानों के, दो किसानों बार किसानों की कमी क्या है भाई? लेबर पार्टी को महिलाओं के अकाउंट में भी पैसा डाले सरकार ने, इसमें क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन अभी तो किसी को मिले ही ना है, अभी कहाँ डाले ही तो है, कह ही तो रहे। कौन सी सरकार आपको अच्छा करेगी? आप जो अच्छा करेगी उसकी किसान आपके खाते में एक भी पैसा नहीं आया? तीन चार बार हमने जो क्या नाम है ऑनलाइन फॉर्म कागज दिए पटवारी को, दिए पटवारी होता है भरता है कागज भर जाते हैं, तब करे आज तक एक रुपया। अच्छा, विधायक बताया कि हमारे पास कोई खाते में पैसे? और क्या समस्या मानते हैं आप? विधायक वो है, क्या नाम है ये? हाँ, नहीं लोधी है, ये लोधी है। उनका चेहरा ही यहाँ पे दिखाई नहीं देता। एक बड़ी निराशाजनक बात है। अंगीर, आप कंटिन्यू करिए, ये भी कुछ कहना बताइए। क्या समस्या है यहाँ पर, क्या रही है? 5 सालों में कुछ काम हुआ है? अच्छा, मुख्य रूप से समस्या है महंगाई। जो सरकार महंगाई पे कंट्रोल करेगी आप उसको वोट देंगे? तो किसके लिए मन बना रखा आपने आज? नहीं मिल रहा है, आप बताइए। इधर सामने एक कैमरा के, आप आइए, आप आइए, आप तो यूथ हैं, आप कहते हैं कि विधायक आपको दिखाई नहीं देते, तो कभी आपने कोशिश करी समस्या जानने की, मतलब विधायक के पास पहुंचने की कोशिश करी? नहीं करी। कोई विकास कार्य आपको दिखाई दिया इस 5 सालों में? आपका चैनल कौन सा है? ऐसा कुछ लगा ही नहीं है। क्या टीवी जाए? तो सरकार के जो मुद्दे होंगे इलेक्शन में वो क्या होंगे? विकास के मुद्दे होंगे तो कौन सी पार्टी आपको सबसे ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही है? समाजवादी पार्टी आपको सही दिखाई दे रही है? समाजवादी पार्टी क्यों अच्छी? अनिल भाई, आप बाबा क्या कहेंगे? कौन सी पार्टी? ये समय बताएगा, ये समय बताएगा। आप क्या बताएंगे? ये समय बताएगा। आप कोई सी पार्टी जीता मतलब भाई मेरा नाम नोट कर लीजिए, मेरा नाम आज मोहम्मद है, मेरे खाते में 1 रुपया नहीं आया, किसान आदमी महंगाई का मुद्दा सारा, महंगाई का सारा मुद्दा। 80 रुपए के जो तेल करेंगे 200 को बिक रहा है, बताइए गरीब आदमी कहाँ से लावे? बोलो आप, 70 रुपए किलो मांग रहा था तो कितनी महंगाई होगी? अच्छा, कार उजगार नहीं रहा,
आपके 5 साल से भाजपा की सरकार रही है यहाँ पे अभी, तो वर्तमान विधायक के कामों से कितना खुश है? क्या उन्होंने काम किया यहाँ पे? आज बहुत कुछ किया, बहुत काम किया है। अच्छा, काम किए? जी काम किए। तो इस बार आपने क्या मन बनाया है और मुख्य रूप से क्या मुद्दे रहेंगे, क्या समस्या है, जो जो भी आपसे वोट मांगने आ रहे हैं उनसे क्या अपील करेंगे आप? वो जो हमारे यहाँ बड़े, जो हमारे बड़े के वो। अच्छा अच्छा, एक मुस्तैद हो के आप वहाँ पे वोट डालेंगे जो आपके ऊपर से, जो हमारे बड़े हैं। अच्छा, जो आपके ऊपर बड़े हैं उनका आदेश मानेंगे आप? जी जी। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे आप? किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? जो हमारे बड़े करेंगे वो करें, जो बड़े कहेंगे वही उधर ही रहेंगे आप। ठीक है, आप भी कुछ, आप लोग यूथ हैं, आप ही सामने आए फ्रंट में, बताएं बेटा आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है, कौन सी सरकार ज्यादा अच्छा काम करती है? कैमरे के सामने इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बोलो बोलो बोलो। बिंदु, वैसे सरकार कौन सी अच्छी लगी? आप न्यूज देखते हो, समाचार पढ़ते हो? तो मुख्य रूप से यहाँ पे हमने लोगों से बात करने की कोशिश की, सबने अपनी समस्या बताई। मुख्य रूप से समस्या जो है जनता को लगी वो महंगाई की है, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, लोगों को खाना तेल कितना महंगा हो चुका है, सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी है। तो इस समय, इस बार मुख्य रूप से महंगाई एक मुख्य मुद्दा रहेगा, और कुछ लोगों का मानना है कि इस बार बदलाव चाहते हैं यहाँ के कुछ लोग। कुछ लोगों को केजरीवाल भी, आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पे कैंडिडेट है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको भी सपोर्ट करना, मतलब करना चाह रहे हैं। एक बात और मैं जोड़ूंगा, जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे इस विधानसभा क्षेत्र में दिखाई दे रहा है वो विधायक के ना उपस्थित होने का है। एक एक जो दर्द है लोगों का कि विधायक इनके साथ कभी साझा उन्होंने कुछ करा ही नहीं, सो ये एक सबसे बड़ी समस्या जो है सो इस विधानसभा की हमें दिखाई दी। जनता को विधायक अगर काम किया ना किया, लेकिन उनके सुख दुख में भी कभी नहीं आए वो, उनको ये भी बहुत बड़ा मलाल है। तो विधायक जी को आना चाहिए था, उनको जनता को पूर्ण रूप से ये भी लगा, उनको ये भी मलाल देखा गया। तो फिर आएंगे किसी खास एपिसोड के साथ आपके साथ, हमने आज ये चर्चा की, ये आग तापते हुए सर्दी का मौसम है, यहाँ सभी लोगों ने बताने की कोशिश की अपनी समस्या, लेकिन प्रमुख समस्या लगी महंगाई की। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जनमीडिया टीवी से, मैं विकास हमवीर सिंह चौहान के साथ।